वेलकम टू डे टू पार्ट टू वीडियो ऑफ माई लंडन ट्रिप सीरीज. तो पहले तो हम लोग वेस्टमिंस्टर ट्यूब स्टेशन में उतरे थे एंड वहाँ से पहले हम लोगों ने देखा द बिग बेन. वहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबे भी था एंड उसके बगल में था द फेमस टेम्स रिवर. उसके ऊपर से इस साइड आके हम लोग फर्स्ट गए थे लंडन आई में. पहले तो टिकट लिया था, उसका जो भी प्रोसेस था वो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है. सो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्राफलगर स्क्वायर. तो ट्राफलगर स्क्वायर में काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ का शूटिंग हुआ है. नॉट ओनली इन ट्राफलगर स्क्वायर, पर्टिकुलरली ये जो एरिया है ना वेस्टमिंस्टर, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज़ का शूटिंग हुआ है. स्टार्टिंग फ्रॉम DDLJ, बागबान, जब तक है जान, नमस्ते लंदन, अक्सर, कभी खुशी कभी गम एंड ऐसे ही बहुत सारी पॉपुलर बॉलीवुड मूवीज़ का फेवरेट शूटिंग स्पॉट रहा है ये वाला एरिया. सो नाउ कमिंग टू ट्राफलगर स्क्वायर, यहाँ पे जो जब तक है जान मूवी है उसका छल्ला गाना का कंप्लीट शूटिंग हुआ था. कंप्लीट शूटिंग तो ट्राफलगर स्क्वायर में नहीं हुआ था, बट मेजर पार्ट वॉज शॉट इन ट्राफलगर स्क्वायर एंड बाकी के जो सीन्स थे मोस्ट ऑफ देम वॉज इन दिस एरिया पर्टिकुलरली. एंड कुछ कुछ सीन कैनडी रैफ मेट्रो स्टेशन के पास भी शूट किया गया था. कैनडी रैफ का जो वीडियो है वो मैं अगले पार्ट में ऐड करने वाली हूँ. इस वीडियो में तो बस मैं ट्राफलगर और सी लाइफ के बारे में ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. सो नाउ कमिंग बैक टू ट्राफलगर स्क्वायर, हम लोग पहुंच गए ट्राफलगर स्क्वायर एंड यहाँ पे जो भी शूटिंग हुआ था उसका मैं फोटो यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन रिलेट कि कहाँ पे शूटिंग हुआ था. नेक्स्ट जो मूवी यहाँ पे शूट किया गया था दैट वाज DDLJ. फोटो मैंने शेयर किया है जिस सीन का शूटिंग यहाँ पे हुआ था. आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू कैन रिकलेक्ट कि ये कौन सा सीन है. इट वाज अ वेरी फेमस वन. तो बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ का बात हो गया है. नाउ कमिंग टू द एक्चुअल हिस्टोरिक इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस. So this place was named Trafalgar Square after Britain won the war in the Battle of Trafalgar in 1805. एंड यहाँ का जो आर्किटेक्चर है इट इज़ अमेजिंग. यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ हैं, मॉन्यूमेंट्स है जिसका इंडिविजुअल हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है. एंड प्रेजेंटली यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर बहुत सारी इवेंट्स होते रहते हैं. जब हम लोग यहाँ पे गए थे उस टाइम भी कुछ पॉलिटिकल इवेंट यहाँ पे चल रहा था. ऑल्सो दिस एरिया इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस इन लंदन. यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं एंड यहाँ पे ऐसे ही बैठने में बहुत ज़्यादा पीस लग रहा था. सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है सी लाइफ. बट सी लाइफ में जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे क्रूज राइड्स होता है विच इज़ अ मस्ट ट्राई. वी मिस्ड इट दिस टाइम बट नेक्स्ट टाइम गोइंग टू लंदन हम लोग सबसे पहले यही चीज़ करने वाले हैं. सो सी लाइफ इज़ बेसिकली अ वेरी बिग एक्वेरियम. दो आई रियली डोंट हैव मच आइडिया और इंटरेस्ट इन फिशेज, बट यहाँ पे आके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड जो यहाँ पे फिशेज है ना, दीज आर वेरी मच वेल मेंटेन्ड. ऑल्सो हियर यू गेट टू सी पेंगुइन्स जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था. सो यहाँ पे सी हॉर्स, शार्क, व्हेल्स, टर्टल्स, ऐसे बहुत यूनिक यूनिक फिशेज आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा. एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस अगर आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ रहे हो. मे बी देर आर पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्वेरियम्स एंड फिशेज, तो उन लोग के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है एंड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. बट सी लाइफ इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाथ में टाइम लेके जाना पड़ेगा. जो लोग फिश लवर्स हो आप लोग के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए. एंड ऑल्सो यहाँ पे वॉक भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया लेके बना है. तो फिशेस के बारे में तो ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊँगी, तो आगे की वीडियोस आप लोग देखिए एंड एन्जॉय करिए.
सी लाइफ से निकलते निकलते शाम हो गया था एंड दिस प्लेस वॉज लुकिंग सो प्रिटी एंड आई फाउंड रिक्शाज ओवर देयर. उसके बाद हम लोग चले गए थे स्ट्रैटफोर्ड. यहाँ पे एक मॉल था जहाँ पे हम लोग खाना खाए एंड आफ्टर दैट वापस लौटते टाइम हम लोगों ने लिया था एक डबल डेकर बस का राइड. यहाँ पे एक्चुअली लंदन में जितने भी मैक्सिमम लोकल बसेज है वो सारे डबल डेकर है, तो हम लोगों के लिए तो ये काफ़ी नया चीज़ है. बिकॉज जब कोलकाता में मैं छोटी थी ना उस टाइम पे डबल डेकर बस मैंने देखा था, बट आई डोंट रिमेम्बर राइडिंग अ डबल डेकर बस एनी टाइम. हाँ, जब बॉम्बे में थी तब हम लोगों ने डबल डेकर बस का राइड लिया था जो वहाँ पे टूर करवाता है ना वो वाला, बट ऐसे डबल डेकर बस का राइड मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही लिया था एंड इट वॉज वेरी नाइस. आई वॉज फीलिंग सो गुड. And yeah, that's how I ended the day 2 of London trip. But day 3 abhi bhi baki hai. So I'll be sharing my day 3 in my next video. So till then, take care. Bye-bye. Good night.